हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताजे हरे मटर जो होते हैं उनके क्रिस्प हम किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो हम ग्रोसरी शॉप से मटर लेकर आते हैं वो पूरी तरह से पके होते हैं और उन्हें हम भिगोकर फिर वो उसके क्रिस्प बनाते हैं, तो वो छोटे बच्चों को खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो खा नहीं पाते हैं, और अगर वो खा भी लेते हैं तो बाद में उनका पेट दुखता है। तो अगर हम इस तरह से ताजे हरे मटर से ये क्रिस्प बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चों का पेट भी नहीं दुखता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा ही अपने बच्चों को इस तरह से ये हरे मटर के क्रिस्प बनाकर देती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से ये हरे मटर के क्रिस्प बनाते हैं वो देखते हैं। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे ऐसे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं हरे मटर के नमकीन। सर्दियों में जैसे कि हरे मटर जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाजार में आते हैं, तो ये मैंने ताजे वाले जो हरे मटर होते हैं वो लिए हैं। लगभग 1 किलो मैंने ये हरे मटर लिए हैं, छीलकर ये इतने हुए हैं। तो ताजे हरे मटर जो होते हैं उससे हमें ये क्रिस्पी नमकीन बनाने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। और ये नमकीन जो है हम लगभग 10 से 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। जब भी हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तब हम अगर ये लेकर जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स होता है हमारे लिए, और हम ये टी टाइम स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कि ये हरे मटर के नमकीन किस तरह से बनाते हैं उसकी फुल डिटेल वीडियो। तो मैंने एक तरफ जो है एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी जैसे ही अच्छे से खोलता हुआ गर्म हो जाएगा हम ये हरे मटर जो है इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। तो 3 से 4 मिनट ही हमें ये अच्छे से उबालना है। नमक डाल के हम ये मटर जो है अच्छे से उबाल लेंगे। अच्छे से पानी जो है वो उबल चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मटर मैंने इस तरह से गर्म पानी में डाल दिए हैं, इन्हें हमें अच्छे से एक सा कर लेना है। और ये देखिए अभी 1 ही मिनट हुआ है ये मटर मैंने उबलने के लिए डाले हैं। तो जैसे जैसे ये उबल जाते हैं वैसे वैसे ये मटर जो है तैर कर ऊपर आ जाते हैं पानी पर। तो अभी हमें और 3 मिनट तक इन्हें अच्छे से उबाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मटर अब उबल गए हैं। मैं ये एक स्ट्रेनर पर निकाल लेती हूँ, इनका पूरा पानी हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये मटर जो है इस तरह से स्ट्रेनर पर निकाल लिए हैं, इनका पूरा पानी हमें अच्छे से निकलने देना है। और उसके बाद हम एक जो टॉवल होता है किचन टॉवल उस पर ये अच्छे से बिछा देंगे और आधे घंटे के लिए इन्हें अच्छे से सूखने देंगे, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से ये मटर जो है वो सूख गए हैं। मैंने लगभग ये मटर जो है वो आधे घंटे के लिए इस तरह से सूखने के लिए रख दिए थे। अब हम ये मटर जो है एक थाली में निकाल लेंगे और एक साइड मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ये मटर जो है वो ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने जो ये मटर अच्छे से सुखा लिए है इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमें ये क्रिस्पी होने तक ये मटर जो है वो डीप फ्राई कर लेने हैं, इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें ये जो बुलबुले निकल रहे हैं वो निकलना पूरी तरह से बंद होने तक हमें ये मटर जो है वो अच्छे से डीप फ्राई कर लेने हैं। तो अभी भी इसमें ये बुलबुले आ रहे हैं, इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए ही हमें ये डीप फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरे बुलबुले आने बंद हो चुके हैं। अब हम ये मटर जो है वो निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लगाई हुई प्लेट जो है वो रेडी करके रखी है। हम ये मटर जो है निकाल कर टिश्यू पेपर पर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये टिश्यू पेपर लगाई हुई प्लेट में ये मटर निकाल लिए है और इसी तरह से मैं सभी मटर जो है वो डीप फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी हरे मटर जो है वो अच्छे से डीप फ्राई कर लिए है। और ये देखिए, आप इसका आवाज सुनकर ही पता लगा सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे। तो इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि छोटे बच्चे खाने वाले हैं। और रोस्टेड जीरा पाउडर मैंने यहाँ पर ली है, तो ये 1/8 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो थोड़ी सी ही डालनी है, बच्चे खाने वाले ही तो बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है। और धनिया पाउडर 1/8 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे।
अगर आपके पास चाट मसाला है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये काला नमक है, ये भी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने ये नमक लिया है, वो भी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। तो नमक थोड़ा सा हमें कम ही डालना है, क्योंकि हमने ये मटर जब उबाले थे तब भी उसमें नमक डाला हुआ था, और चाट मसाला में भी नमक होता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालना है। और ये देखिए, ये हमारे हरे मटर के क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे हरे मटर के क्रिस्प बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।